नेक्स्ट ये हमारे हार्वेस्टिंग होने के बाद में हम नेक्स्ट गर्मियों के सीड्स हम यहाँ डालने वाले हैं। यहाँ आप भी अपने टेरेस पे या अपने बालकनी में प्लीज ऑर्गेनिक्स के सब्जी मुझे थोड़ा प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा है, वो हम आपको मैसेज में डालेंगे। आप भी अच्छे अच्छे प्लांट्स ऐसे उगा दीजिए, हेल्दी होगा आपके लिए। धन्यवाद। राम जी राम। ये हमारा पालक है, अभी सीजन इनका ऑफ सीजन हुआ और हम इनके ऊपर देखिए सीड्स निकल गए, पालक की सीड्स। अब हम इनको पकने नहीं देंगे क्योंकि हमें दूसरा वेजिटेबल्स भी लगाना है। गर्मी के सीजन हमारे यहाँ मौसम अभी गर्म होने लगा है क्योंकि हम दक्षिण भारत में रहते हैं तो यहाँ पे सर्दी नहीं है, तो गर्मी की सब्जियाँ भी हम डाल देंगे, ये बराबर है। और हम लोग इनको अगर पकने का मौका दिए तो एक डेढ़ महीना लेता है ये पालक की सीड्स, तो हम नहीं पकने देंगे। और ये देखिए थोड़ा ख़राब हो गया, थोड़े अच्छे अच्छे पत्ते देखकर हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। मेरे बच्चे भी साथ में आए हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है टेरेस गार्डन करना, देखना सब्जियां तोड़ना। और अभी जो पहले जो बात वीडियो में आवाज़ दिया वो मेरी बेटी है, उनको बहुत मज़ा आता है बात करने में बोलने में। और हम अभी हम लोग नए हैं, यूट्यूब पे भजन गा रहे हैं, प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे सात तीर्थ तेरे अंदर बाहर किस तलाश है, या कर्म करे पावन है सभी, डूबी नहीं तेरी नाव कभी। देखिए हमने इतना हार्वेस्ट कर चुका है, इतना हमने हार्वेस्ट करा है हमारे छत से, देख सकते हैं आप। देखिए अभी थोड़े और भी हैं, मुझे लगता है हम उनको भी हार्वेस्ट करेंगे, थोड़े हैं, बहुत सुपर है। मैंने एक दिन खाया तो कितना टेस्टी था, बहुत टेस्टी था। हमारे छत के पालक कितने अच्छे होते हैं, आप भी लगाइए अपने बालकनी में है तो, आपका बालकनी है तो आप लगा सकते हैं उसमें, अगर आपकी टेरेस है तो आप लगा सकते हैं।